हमें यहाँ पे बता दिया वो ये है, में जो ब्लड टाइप A है वो डोमिनेट है और वो, आ, गैपितल आई, गैपितल ए से लिखा जाता है इसी तरह जो दूसरा ब्लड टाइप हमारे पास अवेलेबल है वो है बी ब्लड टाइप जो कि रिसेसिव है और उसका जो अः जीनो टाइप है जिसे हम आ, इसको प्रेजेंट करेंगे वो है स्मॉल आई एंड कैपिटल बी ठीक है अब उन्होंने कहा है कि डिफरेंट ब्लड टाइप्स के मेल और फीमेल कैट जो है वो मेट करते हैं और उनके डिफरेंट अः टाइप ब्लड टाइप्स के किटन्स पैदा होते हैं ठीक है और अब वो जो है उन्होंने हमारे पास ये ग्रुप्स दिए हुए हैं ठीक है और इसमें उन्होंने हमें कहा है कि आपने क्या करना है कि आपने हर लीटर जो दिया हुआ है अब लिटर उन्होंने हमें आगे क्वेश्चन में डिफरेंट दिए हुए हैं ठीक है ठीके? और उनके ब्लड ग्रुप्स बताए हुए हैं अब उन्होंने उसमें हमसे ये पूछा है कि ईच लिटर जो हमें उन्होंने दिया हुआ है उसमें आपने क्या करना है कि आपने उस लेटर के पेरेंट्स का जीनोटाइप फाइंड आउट करना है ठीक है तो उन्होंने बेसिकली अब नीचे क्वेश्चन है ठीक है जैसे पार्ट ए है इसमें हमें एक पेरेंट का ब्लड टाइप भी दिया हुआ है दूसरे पेरेंट का भी ब्लड टाइप दिया हुआ है और साथ उन्होंने हमें क्या किया हुआ हुआ कि हुआ है 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 कि जो लिटर प्रोड्यूस उसका ब्लड टाइप भी दिया ठीक हमने क्या करना है हमने पेरेंट्स का जीनो टाइप फाइंड आउट करके इनको बताना है इसी तरह अगले क्वेश्चन सारे क्वेश्चन में ऐसे ही है ठीक है तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसका आंसर देखते हैं ओके okay. अच्छा अब अगेन लेट्स सी अब पहला पार्ट क्या है कि हमारे पास अः uh, पहले पार्ट में उन्होंने पूछा है कि जो ब्लड टाइप ए ब्लड टाइप बी है पेरेंट्स का पेरेंट्स के ब्लड टाइप दिए हुए हैं और उन्होंने कहा है कि जो लिटर हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है वो उस लिटर में चार किटन्स जो हैं वो ए ब्लड टाइप के हैं और तीन किटन्स जो हैं वो बी ब्लड टाइप के हैं ठीक है सो so, Guys, ये क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन कॉमन सेंस वाला है है ठीक व हमने क्या करना है कि इस, इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम पहले ऑफस्प्रिंग जो लिटर हमारे पास प्रोड्यूस होता है उसका जीनोटाइप लिख लेते हैं अब उन्होंने कहा है कि चार किटन्स ए ब्लड टाइप के हैं तीन किटन्स बी ब्लड टाइप के हैं जो ए ब्लड टाइप के हैं वो क्या हो सकते हैं या तो कैपिटल आई ए कैपिटल आई ए हो सकता है या फिर कैपिटल आई ए या स्मॉल आई बी हो सकते क्यों क्योंकि हमें पता है कि ए ब्लड ग्रुप बी के ऊपर वैसे ही डोमिनेंट है तो अगर वो हिट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन में भी आएगा तो वो ए इस फॉर्म में भी अवेलेबल हो सकता है हमारे पास चाहे होमोजाइगस के फॉर्म में या हिट्रोजाइगस के फॉर्म में हमारे पास इनकीटन्स का जीनोटाइप हो सकता है लेकिन जो हमारे पास तीन बी के टर्न रहे हैं क्योंकि बी ब्लड ग्रुप जो है वो एक ब्लड ग्रुप है तो इसके लिए रिसेसिव का मिक्सचर ही हमें बी दे सकता है तो इट इज गोइंग टू बी स्मॉल आई बी स्मॉल आई बी ठीक है अब हमारे पास ऑफस्प्रिंग के जीनोटाइप हमारे पास है हमने गेस क्या करना है हमने बेसिकली पेरेंट्स का जीनोटाइप जो है वो गेस करना है अब इसमें लेट्स सपोज ब्लड ग्रुप ए मेल का है और ब्लड ग्रुप बी फीमेल यानी मदर का है ठीक है बी का तो समझ में आ जाता है बी तो आपको जहां पे भी नजर आएगा आपने इस क्वेश्चन में बहुत आसानी से स्मॉल आई बी स्मॉल आई बी लिख देना क्यों क्योंकि ये एक रिसेसिव ब्लड ग्रुप है और ये हमेशा होमोजाइगस फॉर्म में ही हो सकता है यानी इसके दोनों जो हैं वो बी बी वाले ही होंगे लेकिन जो ब्लड टाइप ए है इट कैन बी आई इट इज गोइंग टू बी कैपिटल आई ए एंड स्मॉल आई बी नाउ वाई दिस लाइक वाई हिट्रोजाइगस कम्बिनेशन ही क्यों ए का है ठीक है यानी कि ब्लड टाइप ए वाले पेरेंट का हिट्रोजाइगस कम्बिनेशन ही क्यों है इस वजह से क्योंकि हमारे पास ऑफ स्प्रिंग्स में भी ए ब्लड ग्रुप है अगर इसका आ, 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 अगर इसमें हम ये कम्बिनेशन ले लें कैपिटल आई ए और कैपिटल आई ए और उसको अगर हम क्रॉस करेंगे जब स्मॉल आई बी स्मॉल आई बी के साथ तो हमारे पास कभी भी ऑफ में ये नहीं आ सकते ठीक है आई होप कि आप लोग को ये चीज समझ में आ रही है ये बेसिक सी चीज़ है कि अगर आप अपना क्रॉस जो है ये वाला नहीं रखते ठीक है हिट्रोजाइगस पेरेंट नहीं रखते अगर आप पेरेंट होमोजाइगस ए वाला रख देते हैं तो आपके पास एफ जनरेशन में कभी भी बी ब्लड ग्रुप यानी रिसेसिव ट्रेट जो है वो अपीयर नहीं होगा ठीक है उसकी वजह ये है कि जब हम पनट स्क्वेयर बनाते हैं ठीक है, है? क्रॉस वाला तो उसको हम क्या करते हैं हम यहाँ पे एक पेरेंट का अगर हम आई ए डाल दें आई ए दो गैमेट्स ठीक है एक तरफ से आए और यहाँ पे हमारे पास क्या है हमारे पास बी है ठीक है जो कि ऑल्सो होमोजाइगस अगर हम इसको होमोजाइगस ले लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आई और आई बी चारों में हमारे पास यही आ जाएगा तो चारों ब्लड ग्रुप जो जितने भी बच्चे यानी हमारे पास होंगे वो सारे के सारे ए वाले ही हो जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं है हमारे पास बच्चों में बी ब्लड ग्रुप भी आ रहा है इस वजह से हम जो डोमिनेंट ट्रेट वाला ब्लड ग्रुप है वो हिट्रोजाइगस है इस पेरेंट का ठीक है आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई है ये इतनी मुश्किल है नहीं ठीक है इसमें बस हमने ये करना है कि हमने गैस लगाने है ठीक है और अभी नेक्स्ट पार्ट्स में ने आपको देखें देख कर और ज़्यादा समझ में आ जाएगी जो दूसरा पार्ट है उसमें क्या है कि ब्लड टाइप बी है ठीक है एक पेरेंट का दूसरे पेरेंट का भी ब्लड टाइप बी है और जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं वो सारे के सारे ब्लड टाइप बी वाले हैं ये बहुत आसान पार्ट है ब्लड टाइप बी ऑफस्प्रिंग का पहले हमने गेस करना है ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप बी है तो आई बी आई बी होगा क्यों क्योंकि ये एक रिसेसिव ट्रेट है तो ये हमेशा होमोजाइगस फॉर्म में ही आएगा लेकिन अगर हम पेरेंट का जीनो टाइप देखें तो पेरेंट का जीनो टाइप क्योंकि अगेन दोनों पेरेंट्स का ब्लड टाइप बी है तो हमारे पास यहां पे भी बहुत आसानी से जीनो टाइप तो डेफिनेटली होमोजाइगस आई बी आई बी ही होगा ठीक है ओके नेक्स्ट पार्ट हम्म ठीक है अब वो C part में क्या पूछ रहे हैं कि हमारे पास एक पेरेंट का ब्लड टाइप B है दूसरे पेरेंट का ब्लड टाइप ए है आठ किटन पैदा होते हैं जो कि ब्लड टाइप ए वाले हैं ठीक है थीके? अब इससे बेसिकली आपको वो पहला पार्ट समझ में और अच्छा आ जाएगा अब यहाँ पे किटन्स जो हैं वो ब्लड टाइप ए है इट कैन बी आइदर होमोजाइगस ए और हिट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन में जो आपके पास ए आ रहा है ठीक है यानी कि कैपिटल आई ए स्मॉल आई बी इन दोनों में से कोई भी बच्चों का हो सकता है लेकिन आप पेरेंट का हम कैसे गैस करेंगे असल में मसला तो हमारा पेरेंट का क्वेश्चन में हमसे उन्होंने पेरेंट का पूछा है पेरेंट्स का ये है कि जो बी है बी वाला तो लाजमी लाजमी आई बी आई बी ही होगा उसकी वजह ये है कि ये एक रिसेसिव ट्रेट है और हमेशा होमोजाइगस में आएगा लेकिन यहाँ पर जो पेरेंट का ब्लड ग्रुप है यहाँ पे होमोजाइगस ए आएगा आई आए, कैपिटल आई ए कैपिटल आई ए यहाँ पे हिट्रोजाइगस वाला नहीं आएगा उसकी वजह क्या है उसकी वजह यह है कि अगर आप अपना पनट स्क्वेयर बनाएंगे ठीक है और अगर आप ए, कैपिटल सॉरी हाँ कैपिटल आई ए लिखें ठीक है और दूसरा भी अगर आप कैपिटल आई ए लिखेंगे ठीक है और दूसरी साइड पे आपके पास स्मॉल आई बी है ठीक है और यहाँ पे भी आपके पास स्मॉल आई बी है तभी ये होगा कि इन चारों खानों में या इन दोनों का कैपिटल आई ए कैपिटल आई ए आएगा और वो इस आई बी आई बी को मास्क करके चारों किटन्स जो हैं सारे किटन्स जो हैं वो ब्लड टाइप ए वाले प्रोड्यूस करेगा लेकिन अगर तो आप लेते हैं पेरेंट ले लेते हैं ठीक है आप कैपिटल आई ए ठीक है और स्मॉल आई बी ले लेते हैं ठीक है एक पेरेंट को और दूसरा पेरेंट तो हाई ब्लड ग्रुप बी तो वो तो दोनों ही आई बी आई बी वाला हो जाएगा ठीक है तो ये वाला भी ए ब्लड ग्रुप आपके पास आएगा ठीक है यहाँ पे भी आपके पास ए ब्लड ग्रुप आएगा लेकिन यहाँ पे आपके पास बी ब्लड ग्रुप आएगा बी इसकी आएगा क्योंकि ये ई बी भी भी है ये भी आई बी भी है यहाँ फिर आपके भी 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 तो पास हाफ किटन जो हैं वो बी ब्लड ग्रुप वाले आने चाहिए लेकिन आपके पास क्वेश्चन में क्या है क्वेश्चन में कहा है कि सारे के सारे किटन्स ए ब्लड ग्रुप के ही आए हैं इसका मतलब है कि आपके पास ये वाला क्रॉस है ना कि ये वाला क्रॉस है के ठीक है यानी कि आपका जो पेरेंट है ए ब्लड ग्रुप वाला वो होमोजाइगस है हिट्रोजाइगस नहीं है ठीक है सो ये, ये पार्ट हो गया नेक्स्ट वी हैव इस पार्ट डी पार्ट डी में क्या है कि हमारे पास एक पेरेंट ब्लड टाइप ए वाला है दूसरा भी ए ब्लड टाइप वाला पेरेंट है लेकिन सात बच्चे ऐसे हैं जो कि ब्लड टाइप ए वाले हैं दो बच्चे ऐसे हैं जो ब्लड टाइप बी वाले हैं अच्छा बच्चों इसमें ये बात है कि याद आपने रखनी है कि इसमें ये नंबरिंग मैटर नहीं करती है ठीक है ये जितने मर्जी बच्चे पैदा हो जाए जिसमें मैटर ये करता है कि अच्छा इस कॉम्बिनेशन में भी बच्चे आ रहे हैं इस कॉम्बिनेशन में भी बच्चे आ रहे हैं ठीक है अब ऑफ का जो जीनो है पहले हम सजेस्ट करेंगे उसके बाद हम पेरेंट्स का उसको मतलब देखेंगे अगेन जो ब्लड ग्रुप बी वाले बच्चे और इट कैन बी आइदर हिट्रोजाइगस ठीक है अब पेरेंट्स का जीनो हम कैसे जज करेंगे पेरेंट्स में हमारे पास दोनों ए ठीक है और अगर पेरेंट्स में हमारे पास दोनों ए हैं तो एक पेरेंट होमोजाइगस होगा और दूसरा पेरेंट होगा तो ही हमारे पास ये कम्बिनेशन सकता है ये बात तो कंफर्म है सॉरी इसमें एक छोटी सी गलती है ये दूसरा भी हिट्रोजाइगस ही होगा ये दूसरा भी होमोजाइगस नहीं है सॉरी ये भी हिट्रोजाइगस है इट्स हियर क्योंकि अब इसका ना क्रॉस हम बना के देख लेते हैं मतलब इन सारे क्वेश्चन को वेरीफाई करने का तरीका यह है कि हम इनके जो पेरेंट्स की सजेस्ट हम कर रहे हैं ना वो क्रॉस बना के देख लें इसे भी देख लें अब एक पेरेंट को अगर हमने लिया है कैपिटल आई ए और दूसरे पेरेंट को हमने लिया है स्मॉल आई बी सेम ओवर हेयर कैपिटल आई ए और यहाँ पे दूसरा जो है वो स्मॉल आई बी होना चाहिए ठीक है स्मॉल आई बी होना चाहिए तो क्या होगा हमारे पास आधे बच्चे पैदा होंगे आई ए आई ए ठीक है यानी कि ए ब्लड ग्रुप यहाँ पे आ रहा है और पे भी ए ब्लड ग्रुप क्यों क्योंकि यहाँ से कैपिटल ए आ रहा है यहाँ से बी आ रहा है ठीक है अब यहाँ पे भी क्या है यहाँ पे भी ए ब्लड ग्रुप आएगा क्योंकि ये बी वाली रिसेसिव है लेकिन यहाँ से जो ए आ रहा है वो कैपिटल है लेकिन यहाँ पे बी और यहाँ पे बी ये क्या है ये बी ब्लड ग्रुप देगा ठीक है तो आपके पास क्या है इस पनेट स्क्रॉस से इस क्रॉस से आपके पास ए भी आ रहे हैं और बी भी, भी आ रहे हैं और हमारे पास क्वेश्चन में यही है कि जो पेरेंट्स हैं वो ऐसे ए ब्लड ग्रुप वाले हैं कि इनके पास बच्चों में ए भी आ रहा है और बी भी, भी आ रहा है ठीक है तो ये आपने कोशन यहाँ पे कर लेनी है ये एक स्मॉल आई बी है ठीक है यानी ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है ये हिट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन में है ये होमोजाइगस कॉम्बिनेशन में नहीं है नेक्स्ट वी हैव इज के एक पेरेंट ब्लड टाइप ए वाला है ठीक है और दूसरा भी ब्लड टाइप ए वाला है दस किटन्स पैदा हो रहे हैं जो ब्लड टाइप ए वाले हैं ओके इट्स एन इजी वन इसके ब्लड टाइप ए जो है ऑफस्प्रिंग का इट कैन बी आइदर होमोजाइगस और हिट्रोजाइगस लेकिन पेरेंट का जीनोटाइप यहां पे क्या होगा के एक पेरेंट لازمی डोमिनेंट होना चाहिए होमोजाइगस होना चाहिए ठीक है और दूसरा पेरेंट इट कैन बी आइदर होमोजाइगस और हिट्रोजाइगस उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इवन इफ ये एक साइड अगर हिट्रोजाइगस भी है तो भी जब इस तरह से चाहे ये वाली आएगी या ये वाली लील आएगी वो दोनों सूरतों में ए ए ब्लड ग्रुप ही देगा सो ऑलवेज इन सच केस आर गोइंग टू बी तो पेरेंट ये भी हो सर, एक पेरेंट एक पेरेंट कन्फर्म होमोजाइगस होगा दूसरा पेरेंट होमोजाइगस भी हो सकता है और हिट्रोजाइगस भी ये हो सकता है फॉर द ए टू प्रोड्यूस ऑल किस विद ए ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट लास्ट पार्ट इफ ऑफ दिस क्वेश्चन इज एक पेरेंट ब्लड टाइप ए वाला है दूसरा पेरेंट ब्लड टाइप बी वाला है चार किटन्स पैदा हो रहे हैं ए के साथ और एक किटन पैदा हो रहा है बी के साथ ठीक है अगेन वही बात ये नंबर मैटर नहीं करते वॉट मैटर्स इज दोनों तरह के बच्चे पैदा हो रहे हैं और दोनों तरह के ब्लड टाइप आपके पास है पेरेंट्स में तो, ऑफ स्प्रिंग का जीनो टाइप क्या हो सकता है बी वाले का इजी पीजी आ, हमेशा वो होमोजाइगस रिसेसिव ही होगा हो ठीक है लेकिन ए वाला होमोजाइगस भी हो सकता है हिट्रोजाइगस भी हो सकता है लेकिन अब पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं हम यही देखते हैं कि इन ऑर्डर टू हैव लाइक बी ब्लड ग्रुप इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी होमोजाइगस चलो एक पेरेंट का तो पता चल गया दूसरा पेरेंट का ब्लड टाइप ए है ठीक है लेकिन ये हमेशा ये इस केस में होगा होमोजाइगस नहीं होगा क्योंकि अगर ये होमोजाइगस होगा तो ये सारे बच्चे ए वाले हो जाएंगे बी वाला बच्चा पैदा नहीं होगा और इसको आप कंफर्म करने के लिए आप अपना स्क्वायर ड्रॉ करके भी चेक कर सकते हैं उस चेक इसमें आपको ये पता चल जाएगा एक प्रूफ मतलब एक रिवर्स प्रूफ आप कर लेते हैं ठीक है कि ये टाइप ऑफ इज़ ठीक है आप कहते हैं कि नहीं भाई ये वाला जो है वो होमोजाइगस ए होना चाहिए तो आप देखेंगे कि आपके पास ऑफस्प्रिंग में कोई भी बी वाला नहीं आएगा लेकिन यहाँ पे बी वाला ऑफस्प्रिंग आपके पास है ठीक है सो इट इज गोइंग टू बी हिट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन ऑफ ए ब्लड ग्रुप अच्छा आई होप केस वाला आपको समझ में आ गया इतना कोई मुश्किल नहीं है कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है और बहुत मजे का क्वेश्चन है ठीक है नेक्स्ट अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं ठीक है सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग इज इन शीप लस्ट्रस फ्लीस एल रिजर्व फ्रॉम एन अलील दैट इज डोमिनेंट ओवर अलील फॉर नॉर्मल फ्लीस स्मॉल एल ठीक है यानी लस्ट्रस फ्लीस की जो कैपिटल एल है वो डोमिनेंट है नॉर्मल फ्लीस के ऊपर एन जो एडल्ट फीमेल होती है ठीक है? Ram, male, ठीक है है विद 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 फ्लीस फ्लीस इज मेटेड अ अ एडल्ट मेल नॉर्मल उन्होंने कहा कि फ्लीस वाली फीमेल को आपने नॉर्मल फ्लीस वाले मेल से मेट करवा दिया है द ईव गिव्स बर्थ टू अ सिंगल लैम विद नॉर्मल फ्लीस तो जो बच्चा पैदा हुआ है इनका वो नॉर्मल फ्लीस वाला है फ्रॉम दिस सिंगल ऑफ स्प्रिंग इच इज

सो द आंसर इज़ के पहली बात आ, वही आ, के हमारे पास डेटा क्या है लस्ट्रस जो है डोमिनेंट है रिसेसिव डिससेसिवेल well है और आंसर यही है कि यस इट इज पॉसिबल टू डिटरमिन द पेरेंट जीनोटाइप मेल हैज टू बी होमोजाइगस अगेन वो अब यही कह रहे हैं कि uh, हम पेरेंट्स का जो है सजेस्ट करें कि क्या हो सकता है जीनोटाइप मेल को हमेशा मेल होमोजाइगस रिसेसिव होगा और इसमें उन्होंने कहा और सिंस ऑफ स्प्रिंग इज अ होमोजाइगस रिसेसिव बीइंग नॉर्मल फ्लीस सो रिसेसिव एलील मस्ट बी डोनेटेड फ्रॉम द बोथ पेरेंट्स ठीक है अब इन्होंने बात कही क्या है बेसिकली है कि हमें पता है कि बच्चा जो हमारे पास आया है वो है नॉर्मल फ्लीस वाला और नॉर्मल फ्लीस एक रिसेसिव ट्रेट है तो इसका मतलब है, कि पास है।, अब जो male है male वाला है वो भी आपके पास जो है uh, no, uh, वाला ही होना चाहिए उसकी वजह ये है uh, uh, क्योंकि ये, है, ये तो होमोजाइगस यानी स्मॉल एल स्मॉल एल आप लिखेंगे तो आप बहुत आसानी से मेल का ट्री, मेल का जीनोटाइप डिटेक्ट कर सकते हैं बाद सिर्फ रह जाती है फीमेल की वो क्योंकि फ्रीज है इट कैन बी अदर होमोजाइगस और हिट्रोजाइगस लेकिन इस केस में ये हमेशा हिट्रोजाइगस होगी क्यों क्योंकि बच्चा तभी नॉर्मल फ्रीज वाला हो सकता है जब मेल के साथ साथ

लास्ट क्वेश्चन ओके सपोज दैट यू आर रेजिंग मंगोलियन गैब्रिल्स यू हैव नोटिस दैट दैब्रिल्स है आपके पास या तो व्हाइट स्पॉट्स वाले हैं या आपके पास सॉलिड कोर्ट्स वाले हैं ठीक है

दू डिटर्मिन वैदर वाइट स्पॉट्स और सॉलिड कोर्स विच वन इज डोम रेट वी कैन गो फॉर ट्रू ब्रीडिंग क्रॉसेस ठीक है ये बात आप याद रख लें कि जब भी हमने इस तरह की चीज़ पता करनी होती है तो हम हमेशा ट्रू ब्रीडिंग के क्रॉसेस करवाते हैं ट्रू ब्रीडिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा होमोजाइगस हैं आइधर वो होमोजाइगस डोमिनेंट uh, है ठीक है या आइधर वो होमोजाइगस रिसेसिव है लाइक अगर हम यहाँ पे ले लें ले, एसेस लेते हैं इट कैन बी इधर कैपिटल एस कैपिटल एस और इट कैन बी आईधर स्मॉल एस स्मॉल एस इसको ट्रू ब्रीडर्स कहते हैं कि जो दोनों अलील्स हैं वो सेम है ठीक है पेरेंट्स में टेक अ ट्रू ब्रीडिंग सॉलिड कोटिंग एनिमल प्रॉस इट विद द ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट स्पॉटेड एनिमल स्ट्रेट दैट विल अपीयर इन ए फन विल बी डोमिनेंट इसका तरीका ये होता है कि बेसिकली हम ये करते हैं कि हम एक ट्रू ब्रीडिंग लेते हैं सॉलिड कोड वाला एक ट्रू ब्रीडिंग ले लेते हैं वाइट स्पॉट वाला ठीक है और उसको जब हम हाँ आप एक्चुअल लाइफ में मेट करवाते हैं जो आपके पास ए फन में कलर आता है वो बेसिकली डोमिनेंट कलर होता है और ये एक बेसिस है ये एक फैक्ट है जो कि शुरू से हमने मैंडल्स uh, के लॉज में हमने हमेशा देखा है कि जब भी आपके पास कोई भी इस तरह का ट्रू ब्रीडर्स आ जाए कैपिटल एस एस कैपिटल और दूसरी साइड पे रिसेसिव ट्रेट स्मॉल एस तो आपके पास जो भी पूरी जनरेशन आती है ना वो आती है एफ वन जनरेशन में एक ही ट्रेट आता है वो डोमिनेंट वाला अपीयर होता है क्योंकि ये क्या होगा कैपिटल एस 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 कैपिटल कैपिटल स्मॉल ठीक है इधर से कैपिटल स्मॉल एस और इधर से भी कैपिटल एज स्मॉलेस्ट तो ये जो एफ वन जनरेशन है वो सारी की सारी क्या है आपके पास डोमिनेंट ट्रेट आएगा ठीक है तो बेसिकली जो भी डोमिनेंट होता है तो वो अपने ऑफ अप, स्प्रिंग्स में वो शो करेगा और इस तरह हमें ट्रू ब्रीडर से हमारे पता चल जाते हैं कि uh, कौन सा डोमिनेंट ट्रेट है और कौन सा डोमिनेंट ट्रेट नहीं है आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है इट्स दीज आर वेरी ईजी थिंग्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड डू सब्सक्राइब द चैनल और डू शेयर द कॉन्टेंट फॉर मोर क्वेश्चन ट्यून इन फॉर द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच